अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हाफिज़ ज़ाहिद हनीफ और आपको अपने YouTube चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि दुनिया की तकरीबन तमाम मालिक में ही लॉकडाउन चल रहा है, कर्फ्यू का समा है COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस की वजह से। तो साउथ अफ्रीका में भी सेम ही सिचुएशन है। पहले बहुत ही हार्ड लॉकडाउन था, किसी को भी घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ एक बंदा घर से जाके तो वो ज़रूरी अशिया ला सकता था, दुकानें बिल्कुल बंद थीं। सिर्फ ग्रोसरीज़ की दुकान खुली थी ताकि बंदा जो है वो ख़रीदारी कर सके, घर का सामान ला सके। बाकी तकरीबन तमाम इक्विपमेंट, सेलफोन, हार्डवेयर, हेयर ड्रेसर्स, जितनी भी शॉप्स थे सर्विसेज वाली, वो भी बंद थी। तो यकम में इसे इन्होंने खोली हैं, तो हम घर का सामान आज लेने जा रहे हैं। तो आइए आपको भी दिखाते हैं कि लॉकडाउन के जो थोड़ा इन्होंने नरम किया है उसके दौरान क्या सूरत हाल है। तो आइए हमारे साथ चलते हैं। ये मैंने अपने लिए जो है वो ले लिया है फेस मास्क भी, तो सैनिटाइज़र भी ये लगाएंगे अभी, बहुत ज़रूरी है, ये लगा के जाएंगे। हफाजत बहुत ज़रूरी है, कोई भी जगह है वहाँ पर कोरोना का मरीज़ हो सकता है। तो अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करके जाएं, मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइज़र लगा के जाएं, जहाँ जो रूल हैं उस फॉलो करें और गवर्नमेंट के साथ कंप्लाई करें। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। तो सब मेंबरान खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, फिट होंगे। चूँकि साउथ अफ्रीका में लॉकडाउन शुरू है, तो अभी हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खरीदने जा रहे हैं आज शाम की इफ्तारी के लिए। तो आइए चलते हैं।
ले जी आज हमने बनानी है फ्रूट चाट, तो उसके लिए सेब घर में पड़े हैं, केला भी घर में पड़ा है, अनार लिए हैं, अंगूर लिया है, स्ट्रॉबेरी ली है और अनाख ली है। तो चलें देखते हैं। अच्छा जी, हमने फ्रूट्स की ख़रीदारी कर ली है, अभी हमने कुछ लेना है घर के लिए और सामान, तो पिक एंड पे की तरफ जाएंगे, तो वहाँ की भी आपको सूरत हाल जो है वो दिखाएंगे। देखें जगह जगह उन्होंने फेस मास्क पहनने की तलकीन की हुई है। जी अभी हम पिकिन बे के बाहर लाइन में खड़े हैं, 2 मीटर का सोशल डिस्टेंस इन्होंने रखा हुआ है, तो हमारी बारी का भी हम इंतज़ार करेंगे, जैसे ही हमारी बारी आएगी तो फिर हम अंदर चले जाएंगे। चीज़ की ज़रूरत थी वो हमने चीज़ें ले ली हैं, जिनमें से केक फ्लावर था, वाइट केक फ्लावर, उसके बाद प्लेन योगर्ट और बटर, जो रियल बटर है उसकी ज़रूरत थी, उसके बाद फ्रेश क्रीम जो है उसकी ज़रूरत थी। हमने आज चूँकि फ्रूट चाट बनानी है तो उसके लिए हमने अपना ज़रूरत का सामान ले लिया है, अभी हमारी बारी आएगी तो हम पेमेंट करेंगे। ज़रूरियात ज़िंदगी का हमने सामान जो है वो ले लिया है, अभी हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी बारी आएगी फिर पेमेंट करेंगे और फिर देखते हैं। लेट्स गो।
दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।